तो अभी हम और स्वीटी जा रहे हैं ओपन हल्दी का जो फंक्शन होने वाला है, हल्दी और मेहंदी का। उसमें वो टेंट वाले भैया कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, एकता बोली कि दीदी ऊपर जाके देख लो। बताओ, जिस लड़की का शादी है वही ऊपर जाके डिज़ाइन देख रही है। तो अभी डिसाइड हो चुका है कि ये कौन सा सेप देंगे और कैसे डिज़ाइन बनाएंगे। मम्मी बोली है हमको नहीं रहने के लिए इधर उधर, बट फिर भी हम आ गए हैं। स्वीटी वहाँ पे बैठी हुई है और ये भैया बनाएंगे ऐसे तैसे है सारा चीज़। देखो महारानी को कैसे बैठी हुई है, फास्टिंग में हम 4 दिन से हैं, महारानी बैठी हुई है चेयर पे। और ये भैया जो है ये सर्किल को एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। लाइट का हमारे बिहार में इतना ज़्यादा हो गया है, जनरेटर से चल रहा है, बट फिर भी देखिए झूमर जो है चल ही रहा है। लाइट कितना फालतू हो गया ना तेल। ये है मेरी अनुफुआ। अनुफुआ का इंट्रोडक्शन का तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये वही लेडीज हैं जो कछुआ को देख के भागी थी। लेकिन अभी फुआ का दांत टूट गया है पूरा, और इतनी कंजूस है फुआ। जितना ही पैसा है घर में सबसे अमीर यही फुआ है, लेकिन पैसा के मामले में सबसे गरीब यही है, सबसे गरीब है। ये बलून स्टार्ट हो गया। जो ये मेरे मामा जी का, छोटे वाले मामा जी का बड़ा वाला बेटा है, जिसका एटीट्यूड ही उसका क्या है, गहना है। एक बार बात करो तो एटीट्यूड में, एक बार एटीट्यूड में बात करो तो। दांत देखिए ना, इसका दांत चूहा जैसा दांत। और स्टोरी सुनाओ कोई अच्छा सा। एक तार ये पीछे से मेरी बहन को देखिए, वो बोले कि पैकेट फोन से ले लेने के लिए। कहाँ गई जी? वो बोले कि पैकेट फोन से ले लेगा। मेरी बहन को देखिए, इसके पास इतना सारा कपड़ा लाई है वहाँ से। नहीं तो 5 बैग एक तो अपना कपड़ा लाई होगी, 5 ट्रॉली। लेकिन जब भी गांव आती है पता नहीं किसका टी शर्ट, गोलू का फटा हुआ टी शर्ट, फटा हुआ पजामा जो एकदम एक्सपायरी होता है ना, वो लेके आती है, मतलब पहनती है। इसको कपड़ा देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है मेरे घर में। ये मेरी दीदी है, इंट्रोडक्शन में आपको दे रही हूँ। इसका छोटू सा बाबू है, इसके पास कपड़ा का भरमार है, लेकिन फिर भी देखिए। अरे लालू आ भी था, इतना है कि मेरे रूम में जो आने वाला है। और ये है शंकर, मेरी मम्मी को बोल रहा है मौसी को कि अच्छा से साड़ी पहना। खुश ये फाइनल लुक इन्होंने दिया है अपने तरीके से, हल्दी और मेहंदी का। ये आयुष है, इसको तो आप लोग ब्लॉग में देख ही लिए होंगे। और ये मेरी बहन है, बेचारी बहुत ज्यादा। ये वैष्णवी है, फोन में चार्ज नहीं है जिसका डैश ऑन नहीं हो रहा है। और मामी जी हैं, छोटी माली मामी जी, अभी मेहंदी लगा रही है सानू को। और जनरेटर वाला भी जनरेटर ही बंद कर दिया, और लाइट भी नहीं है। इसको लग गया है मेरे हाथ में मेहंदी, और एकता भी स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली है। गोलू को यही टेंशन है कि किसको कितना पैसा मिल रहा है। हम खाली बाकी है, मेहंदी के ड्रेस में हो गए, आगे बोल दे। अपने भाषा में तो बोल, कोई टेंशन ना। हाँ रुक जो हाँ, छीछी वाले में बोल।
अब शुरू होने जाए बोली तो बतायो हमें नेचुरल बोल जे तुर भाषा मेहंदी खत्म हो गए मेहंदी खत्म शुरू हल्दी इसके बाद प्रसादी खा रहे इसके देख हंसा छतो देखो हमार बालाजी का स्टोरी बताते हैं बोले रहता तू बीच में हां जे गुस्सा दे पूजा खत्म भ गेले आबे कर बाद अभी के लिए ना मामी जी को दो अच्छा लगता है मामी जी अच्छा मामी जी आपका रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था बात आवाज हो गया ए बोली भाई एक बस दिल टूटने वाला बात है हमार छोटकी भौजाई रहे से छोटका भाई नहीं आइला तो छोटकी भौजाई के दिल टूट गया बाकी बो बालाजी का स्टोरी बता रही हूँ बालाजी का स्टोरी चलते हुए दो दिन पहले क्या तिलक के दिन उसको बोले पेपर चिपका रहे थे तो बालाजी आओगे क्या इधर मैं एक मिनट में आता हूँ सुनिए ना मैं एक मिनट मैं एक मिनट में आता हूँ ठीक पेपर चिपका लिए हैं वो एक मिनट में नहीं आया फिर कल हम बोले बालाजी थोड़ा सा ऊपर होने क्या कर रहे एक मिनट में आता अभी मैं जा रहा हूँ सब्जी फिर आज वो मेहंदी के टाइम में जब उसको क्या कर रहा है कपड़ा नहीं बनेगा अभी मैं आता हूँ नहा के नया नहा के पीला कुर्ता पहन के बोले क्या कर रहा था दौड़ा लेके मैं पूरी रख के फोटो नहीं खिंचवाया वो इतना उसको बिजी देखा बाप रे बाप जबकि सूत के आज उठल है कितना बजे नहीं कखनी सुतल नहीं एक बार भी उसको नहीं देखे बैठते हुए या फोटो सबको फुर्सत कैसे हाथ हाथ कैसे करे टेटनेस को सुई ले पड़ती हम लोग हमर तो इतना काटल बंगाली के पास सुइया दिलाने जा रही थी बाबू ठीक ना तो मम्मी बोली ना है कैसे नहीं जाएगी तू दे देता मेरे बाद में तो फिर हमको याद आया ओ हम भी देते हैं सुई तब फिर हम चलिए दे दो का तो छोट बोलते नहीं नहीं तुम भी उतनी एक्सपर्ट नहीं कौन छोटू भैया और एक और स्टोरी तो हाँ जैसे मामा जी उधर किचन में बेचारा खाना खा रहे थे ठीक ना तो रोटी भुजी इतनी गुली ले गई से तो ई रूम में कोल्ड ड्रिंक रखा ले फ्रिज में तो तीन चार गोटम पी ले ली ठीक है और छोटकी जो चैया वाला कप ना ओकरा पिला दे छोटकी कप में लेके गए मामा जी के लिए सोचे कि जो बचा हुआ है ना और पिला देंगे तो गए मामा जी के पास तो मम्मी वाला भी स्टोरी बता दे बड़ी मम्मी वाला तो लेके गए तो मामा जी को हम दे रहे थे उस टाइम में बड़ी मम्मी बात कर रही थी बात करी थी लोग तो मम्मी में हमारे हाथ से ले बात करी थी कौन चीज नहीं पी ले थकल चल कर नहीं पिए के छोरा पी ले थोड़ा पिए के मन होता कि नहीं नहीं सोडा छे सोडा छे तो फिर मामा जी वहाँ पे गटक लिए मामा जी और पीजिएगा तो मामा जी बोले आई ना आई पूजा दी वाला रूम पूजा दी वाला रूम में लाए हम कि उबला जो बच्चे होते हैं उबला पिलाए भाई नहीं मेरा ही है सब लहंगा से खुला है इसमें रखो ब्लैक वाला पर्स में उसके बाद उतने में मम्मी को स्लाइस मिला ठीक है तो मम्मी खाते खाते छोटको मामा जी को स्लाइस दे दी खोपी खोज के स्ट्रॉ खोज के मामा जी खा रहे मामा जी तो उतने में मम्मी क्या स्लाइस मिले मम्मी कहीं पी ले मन का मम्मी कहीं स्ट्रॉ ना मिले ओकरे फाड़ के पिए ओकरे चूसे ले मामा जी कहे है दीदी के नहीं नहीं रुकेगा मैं पी ले के गटा 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 मम्मी
और यहाँ पे कोमल मेरा नेल पेंट लगा रही है। हम इसको पूरा सख्त चताए हैं, मतलब सख्त इसको आदेश दिए हैं कि थोड़ा ठीक से लगाना, जहाँ टेढ़ा मेरा हुआ फिर तुमको हम बताते हैं। तो क्या तो बोली है कोमल की दीदी, अरे देखो कैसे घिन घिन हुआ, कितना लगा दी। तो जिस चीज से हमको नफरत है ना वही काम ही लड़की करती। तो आज है 12 मार्च और 12 मार्च को टी शर्ट उल्टे पहनी है मेरी शादी, और मेरी एकता जो है इतना ज़्यादा काम में व्यस्त है कि बेचारी टी शर्ट जो है उल्टा ही पहन ली है, और कोमल अपना जो है मेकअप करने वाली है। सॉरी कभी पता है इतने लोग घर में आया हुए हैं, नीलू बोलते हैं, नीलू इतने लोग घर में आए हुए हैं कि मुझे ना नाम का थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, और घर बहुत गंदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। हम उतना ही सबसे ठीक करवा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा गंदा हो रहा है, और हम लोग में मुझे कुछ करने का नहीं है, ना हम झाड़ू दे सकते हैं, ना पोछा दे सकते हैं, कुछ भी नहीं। ऐसा होता है? हाँ, वो झाड़ू तो मम्मी का कोई हेल्प नहीं कर पाएगी, वो छटपटा के मर जाएगी। नहीं, जब से वो हल्दी चढ़ जाता है ना, मतलब कुछ होता है जो वो सब लड़की झाड़ू नहीं छूती है, तभी तो हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो ये सब तो मेरा चुटकी का काम है। चुटकी का काम इन द सेंस कि हम अब जिस रूम में रहते हैं उस रूम को साफ करते हैं, पूरा घर परिवार नहीं साफ करता है। अभी सुबह सुबह फुआ फिर से हमको ये जो है सरसों तेल लगाई है, हल्दी पूरा पोत दी है। ये इसको पूजा नहीं थी करनी है ना? नहीं, फुआ ही लगा रही है, तीनों फुआ मिलकर। अभी मेरा जो है ये हम लोग का एक नेग होता है जिसको बोलते हैं हम लोग खेत। अभी चाची नेक के बारे में बतवा जे हो रही इसे पूरा बतवा जे जे ई सब बोलिए बतावा, हमरा उतना नॉलेज ना है। हाँ, ई सब के बारे में बतवा, ई सब का है हो रही है, और फिर मिट्टी कोराई वाला चीज का हो रही है। ये सब मतलब शादी का एक रिवाज है, सबसे पहला जो तिलक होता है, और तिलक के बाद जब वहाँ से तिलक पड़ के जब लौटता है तो मतलब कि मटकोरा होता है, मटकोरा में सब लोग जाते हैं, और मतलब कि सभी सुहाग मिल करके, पांच लोग मिल करके, एक ताई रहती है, ताई के साथ है खेत में जा करके हम लोग सब लोग मिल करके मट्टी फोड़ते हैं। मट्टी फोड़ने के बाद फिर वहाँ से आते हैं, सब गीत नाद गाते हैं। घर में आने के बाद है जो है सो वो खली में धान फटाता है, ननद भौजाई मिल करके सब लोग मिल करके हम लोग सब इकट्ठा होकर के सब लोग मतलब कि धान फूटते हैं, और वही धान का जो है चौठारी के दिन खीर बनता है। आज क्या है? आज मड़वा है, और मड़वा के दिन क्या होता है कि मड़वा कराता है, और मरवा तो गिरा गया ना सच्चे ऊपर में कल है, और हल्दी का उत्सव होता है, और मतलब कि मेहंदी का रस्म होता है, मेहंदी हो गया, हल्दी हो गया शायद रात में। अभी जो हम लोग गए थे वो खेत वाला चीज वो क्या था, कटता है बार का पता कटता है, हम लोग मतलब पता काटने के लिए गए, वहाँ से पता कटा, तो कटने के बाद अभी हम लोग खेत में जाकर के जीरा पिसाता है, जीरा पिसाने के बाद हम लोग घर में आए हैं, अब घर में आने के बाद अब जो से जो कार्यक्रम है अब जो है सो देवपूजी का होगा। अच्छा, अब उसके बाद फिर गिड़हारी होगा जो मतलब कि जो जिसमें सब बड़े लोग को पैर पूजाता है, पैर पूजाता है बड़े लोग का, जो भी आलगन है सबका पैर पूजाता है, अब उसके बाद फिर रात में सिंदूर होगा। अच्छा, जयमाला होगा, उसके बाद शादी होगा। तो ये वाला जो है ना ये क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो है ना रस्म है, एक तरह से रिवाज है। हाँ, क्योंकि शादी के समय ये बहुत ज़रूरी है कि कैसे पंडित जी मतलब कि लड़का लड़की को जाके गठबंधन करते हैं, उसी तरह से आज मतलब कि शुरू हो गया। अच्छा, ये जो है ना ये शुभ मानते हैं। अच्छा, समझ गए ना। और ये चीज़ जो है ना सही परंपरा का चीज़ है, बहुत शुभ चीज़ माना जाता है, क्योंकि यही चीज़ जो है शादी का पहचान क्या है। अच्छा, अभी हम लोग बहुत सारे लोग हैं लेकिन एक पहचान होता है ना। अच्छा, कि कौन है लड़की जिसका शादी होने वाला है। हाँ, तो अभी जो है से आपका पहचान है, असली पहचान यही है। अच्छा, समझ रहे हैं ना। आप सबसे अलग है, हम भी तो बैठे हुए हैं, पीला कपड़ा आप भी है, पीला कपड़ा हम भी हैं, लेकिन आप हैं अलग है, सबसे अलग है, तो कोई भी देखेगा तो आपको पहचानेगा, बोलेगा कि नहीं लड़की है दीदी, इसी का शादी हो रहा है दीदी, चपोत की इसको रखती, किसका पजामा। रिवाज जो है ना, रिवाज के साथ विधि विधान के साथ
शादी शुरू हो गया है अब स्टार्ट हो गया पंखा में चलेगा और कुछ बाकी है और कुछ रात में होगा बाकी है अभी तो शुरू हुआ है। बिहार की शादी में हम लोग रस्म ज्यादा करते हैं और मस्ती कम करते हैं, फैशन भी कम करते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा हमारी शादी में वीद होता है, हर 10 मिनट पर लगता है कोई ना कोई वीद होते ही रहता है जिसको रसम बोलते हैं। तो उसमें इंसान को ना तो टाइम मिलता है किसी को सजने संवरने का, तो जो जैसा होता है उसी 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 तरह से वहाँ पे चला जाता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि सबका कंडीशन क्या है, सब लोग जैसे तैसे। मेन टाइम हमारा होता है जयमाला का, जिस टाइम पर थोड़ा बहुत सबको टाइम मिलता है कि सब लोग सज संवर के वहाँ पर स्टेज पर जा सकें। मामी जी यहाँ पे कोबर बना रही हैं, पुराइन बना रही हैं, ये 202 दिल बना रही हैं, ये पंडित जी सुबह विवाह लिखे हैं, इसको कोबर बोलते हैं। मेरी मामी जी बहुत मेहनत कर रही हैं और एक तो सबको रोक रही है। अभी कुल देवता का पूजा हुआ है और कुल देवता का पूजा होने के बाद मैं रूम में आके बस लेट गई हूँ क्योंकि मेरा हालत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और मामी जी बेचारी को जो ये मिला है बनाने के लिए, इसका उसका ब्रश ही नहीं मिल रहा है, कोई बच्चा ब्रश लेके भाग गया है। और मामी जी क्या बोल रही है, संध्या कोई तो दीजिए नेल पेंट का ही ब्रश दे दीजिए, हम उसी से कर लेंगे। मौसी बोलती है कि झाड़ू में झाड़ू का जो टुंगना होता है ना उसमें सिलौटी से चूर के, हाँ सिलौटी से चूर के उसका बनाने के लिए। तो मामी जी बोलती है क्या मौसी जी को, संध्या बोले छाई अच्छा बनबे लगी और अपने हमरा कहे छिया ऐसा बेचारी अपना जुगाड़ लगा रही है। फिर लास्ट में हम इनको बोलेंगे मामी जी शादी ब्याह में जुगाड़ वाला सिस्टम है यहाँ पर, सब चीज लास्ट में वो अपना नेल पेंट का कुच्ची लिए है, नेल पेंट का ब्रश लिए है, अब उससे ही वो करेंगे। सोचिए क्या हाल होता है शादी ब्याह वाला घर में, इससे अच्छा होता है होटल में एक दिन का शादी करो खत्म सारा अरेंज। आज के डेट में मौसी इतना कोई से ना होती जितना ये सब हुआ है, हर चीज में रश्म, हर चीज में आदमी, हर चीज में पैसा, हर चीज में कोई काम करे लगे ना ना चाहे ना। आज के डेट में मजदूर मिला है गाँव पे बुकिंग ना, पहले वाला मेल मिला पहले एक गुआ में शादी हो, पूरा गांव सपोर्ट कर रहा था, अब 10 बार किसी को बुलाने जाएगी तो हाँ। नारियल तेल से ही आया था, गोलू का पतकत्ती में बहुत सारा लेडीज जो है काजल कर दी है तो काला काला सा दिख रहा है गोलू, बोलू कैसे कुछ मिली है हमको दिया कुछ नहीं कुछ कान में कौन बोला था इतना मोटा झुमका पहनने के लिए, पहन दीजिए मेरे को मिली थी पता चलती क्या कौन फूल है मिल गया। अरे पेन ना आपने बुझे बात ये कोमल जो है जयमाला का थाली सजाई है एक गाइस हम लोग इसको बूंदी कोबर बना रहे हैं। मामी जी परेशान हो गई हैं इसको बनाने में, कोई इनको ना पेन दे रहा है ना ब्रश दे रहा है ना कलर दे रहा है, बस एक सादा सा दे दिया है धोती का कपड़ा फाड़ा हुआ बना था ना उतना मेहनत से पेंटिंग ही नहीं हो रहा।